हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी इस वक्त मैं हूँ बागा बीच पे, विच इज अनदर वेरी पॉपुलर बीच ऑफ गोवा। तो चलिए चल के देखते हैं कि अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है। ऑलरेडी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देयर इज टू मच ऑफ क्राउड हियर। तो मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया है। कलंगुट बीच मैंने ऑलरेडी कवर किया, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बागा बीच में क्या सिचुएशन है, और मैं अपने चैनल पे गोवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स लाती रहती हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है बागा बीच की पार्किंग, और यहाँ पे अभी फिलहाल जो टू व्हीलर के लिए पार्किंग चार्जेस हैं 30 रुपीज़ है। आप 30 रुपीज़ पे करके यहाँ पे अपनी गाड़ी आराम से सेफली पार्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बागा बीच पे चलते हैं। लेट्स सी हाउ इज द बीच राइट नाउ। ये है बागा बीच का एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे ही खाने के लिए आपको ऐसे ये छोटी मोटी चीज़ें टाइम पास के लिए आपको मिल जाएंगी। मक्का, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, जिसमें मसाला डाल करके आपको दिया जाता है। और शॉपिंग के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस है। तो अभी इस वक्त जितनी भी शॉप्स हैं सारी शॉप्स ओपन है, कोई भी शॉप क्लोज नहीं है यहाँ पे। बीच पर भी और बीच के थोड़ा सा दूर में जितना भी शॉपिंग ऑप्शंस है, मार्केट है, वो पूरा ओपन है। आप आराम से यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। सेम एज कलंगुट बीच, यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा क्राउड देखने मिलेगा। सो आप सामने देख सकते हैं कितने सारे लोग अभी इस वक्त यहाँ पे बागा बीच पे हैं। यहाँ से कम्प्लीटली क्लोज हो चुके हैं। तो बागा बीच में जितने भी शैक्स थे वो अभी कम्प्लीटली क्लोज हो चुके हैं, और पानी अभी बहुत ऊपर ऊपर तक आ रहा है। एंड सी वेव्स अगेन, यहाँ पे भी बहुत ही भयंकर वाली सी वेव्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी सी वेव्स हैं। तो यहाँ पे जितने भी शैक्स होते हैं वो सब अब कम्प्लीटली क्लोज हो चुके हैं। बीच बेड्स भी नहीं है यहाँ पे, एंड लोग अभी भी यहाँ पे स्विम कर रहे हैं। लाइफ गार्ड है जो कंटिन्यूसली आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। और तो यहाँ पे शैक्स नहीं है बट रेस्टोरेंट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। सो आप यहाँ पे अपने लिए खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। तो आप अंदर बैठ करके खाना ले सकते हैं, एंड देन डिनर, लंच, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दिस इज सेंट एंथनीज रेस्टोरेंट एंड बार, एंड देन उसके ही साइड में ब्रिटोज है। कलंगुट बीच के बाद बागा बीच इज एन अनदर वेरी पॉपुलर बीच हियर इन गोवा, और यहाँ पे मोस्टली सारा इंडियन टूरिस्ट है, इंडियन क्राउड है। There is no international tourist at Baga Beach. बागा बीच पे इस वक्त वाटर स्पोर्ट्स कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। देयर इज नो वाटर स्पोर्ट्स एट बागा बीच राइट नाउ। और अब किसी भी बीच पे आपको वाटर स्पोर्ट्स नहीं मिलेगा। अभी स्ट्रेट अवे अक्टूबर मंथ में सारे वाटर स्पोर्ट्स, बीच वाटर स्पोर्ट्स खुलेंगे। यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग पानी में स्विम कर रहे हैं। Thank you.
दिस इज हाउ बागा बीच राइट नाउ. यहाँ पे कुछ बीच बेड्स लगे हैं जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, सेम एज कलंगुट बीच. और आप देख सकते हैं कि कितने ऊपर ऊपर तक पानी आया हुआ है, तो वहाँ ऊपर तक आया हुआ है ये पानी. अब जाएगा यहाँ पे, ये पूरे ऊपर तक ये पानी चला जाएगा. और जैसे जैसे इवनिंग होती है वैसे वैसे पानी और ऊपर की तरफ आता रहता है. सब पानी में नहाने गए हुए हैं और किसी को अपनी चप्पलों और चीज़ों का कोई होश नहीं है. सो ये सारा पानी, ये एक्चुअली बाहर रखे हुए थे पानी से, बट अब ये पूरे बह बह के अपनी ही मंजिल की तलाश में आगे की तरफ चलते जा रहे हैं. तो ये पानी यहाँ पे पूरा यहाँ तक आ गया है. तो अभी जो इवनिंग का सेटअप होता है वो यहाँ पे हो जाएगा. तो बहुत ऊपर तक पानी आ गया है यहाँ पे. सो जस्ट बी केयरफुल, अगर आप मॉनसून टाइम पे पानी में जा रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी लाइफ गार्ड है वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि आपको ऊपर आना है. तो मेक श्योर कि आप उनकी बात सुने, एंड जब वो आपको ऊपर बुला रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ आ जाइए, बिकॉज इट इज वेरी रिस्की टू बी इन वाटर ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द सीजन. अगर इस वक्त मॉनसून टाइम पे आप बागा बीच या किसी भी बीच पे जाते हैं तो शैक्स आपको नहीं मिलेंगे, बट आप देख सकते हैं सामने ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं. एक्चुअली ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं इन्हीं ने शैक्स डेवलप किए रहते हैं जब जो सीजन टाइम होता है उस टाइम पे. बट अभी मॉनसून की वजह से, बिकॉज उसकी जो छत होती है वो पूरे जो कोकोनट का जो लीफ होता है उससे बनी हुई होती है, तो वो इसीलिए मॉनसून टाइम पे यहाँ से हटा देते हैं. तो इनकेस अगर आपको कुछ भी फूड ऑर्डर करना है या खाना खाना है या ड्रिंक्स ऑर्डर करनी है तो उसके लिए यहाँ पे ये सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है जहाँ पे आप बैठ करके आराम से खाना इंजॉय कर सकते हैं. तो अभी इस वक्त कुछ 5:30 हो रहे हैं, बट आप अभी थोड़ी सी धूप निकल रही है बीच में और फिर उसके बाद हल्की बारिश है. अभी जब मैं कलंगुट बीच पे थी उस टाइम पे वहाँ पे हल्की बारिश हो रही थी, अभी इस वक्त यहाँ पे हल्की हल्की धूप निकली हुई है. तो ये साइड है जहाँ से रिवर आती है और यहीं पे वाटर स्पोर्ट्स काउंटर होता था जो कम्प्लीटली यहाँ से चला गया है. सो वाटर स्पोर्ट्स इज कम्प्लीटली क्लोज इन गोवा. अगर आप बीचेस पे बीच वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं वो कम्प्लीटली क्लोज है. एंड दिस इज द क्राउड सिचुएशन हियर. Everybody is just enjoying their Goa vacation, beach vacation. यहाँ पे ये इवनिंग का सेटअप चल रहा है और यहाँ पे इवनिंग में जब अंधेरा हो जाएगा तो थोड़ी लाइटिंग भी हो जाएगी जिससे ये जगह और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है. सो ऐसे ही लास्ट एंड तक आगे कलंगुट बीच है, वहाँ तक ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट है. एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे नोटिस करती हूँ कि अगर कलंगुट बीच साइड पे अगर आप जाएंगे, यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे पूरे बादल बने हुए हैं, बट यहाँ पे बागा बीच साइड पे यहाँ पे ये वेदर एकदम क्लियर है. तो
मैं इससे पहले भी जब मॉनसून टाइम पे कलंगुट बीच की तरफ आती थी और वहां से जब बागा बीच की तरफ आती थी, कलंगुट बीच की तरफ पे बारिश हो रही होती है, यहाँ पे एकदम क्लियर वेदर होता है। तो आई डोंट नो क्या है, बट इट इज वेरी क्लियर राइट नाउ, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे। सो यू कैन सी हियर क्लब हबाना, इनका भी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। जब जब इवनिंग होगी, लाइट कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगी, तो यहाँ पे ये बहुत ही जगमगाने लगेगा लाइट में। एंड उसी के साथ में है लास ओलास, विच इज अगेन अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट। अभी यहाँ पे म्यूजिक नहीं चल रहा है, बट इवनिंग में यहाँ पे म्यूजिक भी ऑन हो जाता है। और मॉनसून टाइम पे जब आप यहाँ पर आएंगे या किसी भी बीच पे जाएंगे, तो जितना भी कचरा गया होता है समुन्द्र में, वो पूरा बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये नॉर्मल थिंग है जो आपको बीचेस पे देखने मिलेगी मॉनसून टाइम पे। तो वो सूरज है जो कि बादलों के पीछे छुपा हुआ है। तो यहाँ पे अभी अंधेरा है तो आपको ज्यादा दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ से आगे की तरफ से, यहाँ से एक रास्ता है जो बागा क्रीक की तरफ जाता है, और वहीं पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना पानी, जैसे ही उस पत्थर को हिट कर रहा है वैसी पानी इतनी जोर से उछल के ऊपर की तरफ आ रहा है इस पॉइंट पे। वहां पे भी कुछ लोग हैं अभी इस वक्त पे, बट अगर आप उस साइड पे जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप केयरफुल रहें, बिकॉज एक बार अगर पानी ने हिट किया और वो आपको खींच के अंदर की तरफ भी ले जा सकता है। सो अगर आप जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल। सो दिस वाज बागा बीच। तो अगर आपके अपने गोवा ट्रिप्स को लेकर के कोई भी सवाल है, या आप ऑफ सीजन से रिलेटेड मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब वहां पे दे दूंगी। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही गोवा से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।